morning dear students, welcome to all of you in your maths class. So today we continue the same chapter. In our previous session we have started our chapter number 9 and the name of our chapter is money. Humne previous session mein is chapter ki exercise number 34 ko padha tha aur iske question number 1 2 3 ke questions ko solve kiya tha. So what is money? What is the definition of money? The type of money used in a particular country is called its currency. और हम उसे कैसे denote करते हैं? उसे हम rupees और पैसे में denote करते हैं. Rupees को R के symbol से और पैसे को small p से. 1 rupees is equals to 100 paise. तो question number 1, question number 2 और question number 3 में हमने क्या पढ़ा था? चलिए हम इसका एक quick recap करते हैं कि हमने इनमें कैसे questions को solve किए थे. In question number 1, write amounts in words. जब भी आपको दिए हुए अमाउंट को वर्ड में लिखना होता है, इट मींस आपको उसे नंबर नेम के फॉर्म में लिखना है. तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन गिवन है 106 rupees 5 paise. आप सबसे पहले रुपीस को आगे लिखोगे. फर्स्ट आपका वर्ड जो होगा वो रुपीस होगा, आर कैपिटल. ठीक है, रुपी नहीं लिखोगे, आप रुपीस लिखोगे. रुपीस 106. अब 106 का हम नंबर नेम लिखेंगे. रुपीस 106 पूरा लिखेंगे. 106 लिख दिया हमने. एंड लिखेंगे अब हम. एंड आप उसी लाइन पे कंटिन्यू करोगे. वहां मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूं. रुपीज 106 एंड अब 5 paise है तो फिर आप पैसे को पहले लिखोगे एंड पी स्मॉल होगा. पैसे 5. तो जो भी आपको अमाउंट गिवन होगा, जब आपको उसे वर्ड्स में लिखना होगा तो बहुत ही केयरफुली आप उसे नंबर नेम में लिखोगे. रुपीस पहले लिखोगे, फिर रुपीस का जो नंबर है उसका नंबर नेम, एंड लगाएंगे, पैसे लिखेंगे और पैसे का जो नंबर है उसका नंबर नेम लिख देंगे. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 के भी क्वेश्चन ऐसे ही थे. जो भी अमाउंट आपको गिवन है आपको उसका नंबर नेम लिखना है, इट मीन्स आपको उसे वर्ड्स में लिखना है. तो इसे हम रुपीस 09 paise नहीं लिखेंगे. 0 rupees है लेकिन हम सिर्फ नंबर नेम किसका लिखेंगे? 9 paise. तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे सबसे पहले पैसे, पैसे 9. बस इसमें आप 0 rupees नहीं लिखोगे. क्लियर? जो भी आपको अमाउंट गिवन था आपने उसे वर्ड्स में लिख दिया. वर्ड्स में जब भी आप लिखते हो इट मीन्स आप उसका नंबर नेम लिख रहे हो. क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? राइट अमाउंट्स इन फिगर्स. जो भी अमाउंट गिवन है आपको उसे फिगर में लिखना है. तो फिगर में हम कैसे लिखते हैं? रुपीस के सिंबल को सबसे पहले हम लगाते हैं ऐसे. ठीक है, अब 17 rupees और 9 paise. 9 1 digit है. पैसे में हम हमेशा 2 digit के साथ लिखते हैं. अगर 2 digit 32 paise होता तब हम 32 paise एज इट इज लिख देते, तब हम इसमें 0 increase नहीं करते. बट हमें 9 paise गिवन है तो हम क्या करेंगे? 17 rupees के बाद डॉट लगाएंगे और 9 को 0 के साथ लिखेंगे. बस अब हम पैसे नहीं लिखेंगे, जो अमाउंट गिवन था ये उसका फिगर फॉर्म हो गया. तो इसी तरीके से जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अभी नहीं किया है या रॉन्ग किया है वो इसे अगेन सॉल्व करेंगे. सो अब हम आगे की एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज कन्वर्ट द गिवन अमाउंट इनटू पैसे. जो भी आपको अमाउंट गिवन है आपको उन्हें पैसे में बदलना है. तो हमने पढ़ा है 1 rupee में कितने पैसे होते हैं? 100 paise. 1 rupee इज इक्वल्स टू 100 paise. तो हम इसे लर्न रखेंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर बी क्या है? 32 rupees. 32 rupees को हमें पैसे में बदलना है. जब 1 rupees में 100 paise होते हैं तो 32 rupees में कितने पैसे होंगे हमें कैसे पता चलेगा? हम करेंगे 32 में क्या करेंगे? हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए हम मल्टीप्लीकेशन के साइन को लगाएंगे. ठीक है, और इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे. 32 multiplied by 100. अब ये रुपीज नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? पैसे. तो अब हम क्या लिख देंगे? पैसे. अब 32 में जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, या हमने मल्टीप्लिकेशन चैप्टर में पढ़ा है कि किसी भी नंबर में जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? वो नंबर एज इट इज मिलता है. और 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो.
तो आंसर में हमें 20 इंक्रीज कर देना रहता है, बढ़ा देना रहता है, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को अपने कॉपी में एज अ रफ वर्क सॉल्व करोगे और फिर लिखोगे 32 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या मिलेगा हमें 3200, और ये क्या है पैसे, जो 32 रुपीस था उसे हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया, कैसे 100 से मल्टीप्लाई करके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, 6 रुपीस 69 पैसे, इस अमाउंट को हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। पहले हम 6 रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसमें 69 पैसे को ऐड कर देंगे। तो हम क्या करें, 6 को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 6 मल्टीप्लाइड बाय 100, हमने ब्रैकेट लगाया, और पैसे को हम स्मॉल पी से भी दिखाते हैं तो हम सिर्फ स्मॉल पी भी लिख सकते हैं। अगर आपको स्पेलिंग लिखने में बार बार मिस्टेक हो रही है तो आप पहले स्पेलिंग लर्न करोगे और स्मॉल पी से इसे पैसे को आप शो करोगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 100 पैसे, और इस 69 पैसे को हम इसमें ऐड करेंगे तो एडिशन का साइन लगाएंगे, 69 पैसे, इसको भी हम स्मॉल फॉर्म में लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल पी। अब हम क्या करें, 6 में जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, 6 एज इट इज, और 20 इंक्रीज हो जाएगा, इट मीन 600 पैसे प्लस 69 पैसे, ठीक है। अब हमें एडिशन आता है हम सबको, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो हम पहले कॉलम में अरेंज कर लेंगे अपने रफ वर्क में 600 फिर 69 और इन दोनों को ऐड कर देंगे ताकि हमारा एडिशन रॉन्ग ना हो। 0 प्लस 9 9, किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं हमें वही नंबर मिलेगा, 0 प्लस 6 6, और इस 6 को हम ऐसे ही लिख लेंगे तो हमें क्या मिला 669 पैसे, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जे, रुपीस क्या है, रुपीस 0 है और 95 पैसे है, हमें इसे पैसे में लिखना है, बहुत ही इजी है, हम इसे कैसे लिख देंगे, बस आप इसे सिंपली, पैसा क्या है 95, आप लिख दोगे 95 पैसे, आप ये नहीं लिखोगे 0 रुपीस, क्योंकि रुपीस 0 है, 0 में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको 0 मिलेगा, आपको इसे पैसे में बदलना है, तो पैसे का अमाउंट बस आपको लिख देना है, दैट्स ऑल। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चंस को करोगे, जो रुपीस होगा उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पैसे में बदल लेंगे, और पैसे का जो नंबर है उस क्वेश्चन में उसको ऐड कर देंगे और फिर एक साथ लिख देंगे, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कन्वर्ट द गिवन अमाउंट इनटू रुपीस एंड पैसे, जो अमाउंट हमें गिवन है हमें उसे रुपीस और पैसे दोनों में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ए, 2965 पैसे, हमें इसे रुपीस और पैसे में कन्वर्ट करना है। जब भी आपको रुपीस में कन्वर्ट करना हो सबसे पहले हम रुपीस के सिंबल को लगा देंगे, ठीक है। अब हम दिए हुए अमाउंट को लिख लेंगे, जो भी नंबर है 2965, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट को लगाएंगे। देखिए रुपीस का सिंबल लिखा हमने, जो नंबर था वो नंबर एज इट इज वैसे ही लिख दिया, अब राइट हैंड साइड से 1 2 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है, ये पॉइंट लगा दिया आपने। अब इस पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड नंबर है ये रुपीस को बताते हैं, और पॉइंट के जो राइट हैंड साइड नंबर है वो पैसे को बताते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें है 29 रुपीस, आप ऐसे भी इसे लिख सकते हो 29 रुपीस 65 पैसे, हम इसे 2 टाइप से लिखेंगे, ठीक है। एक ऐसे लिखेंगे रुपीस 29 रुपीस 65 पैसे, हम इसे ऐसे पढ़ेंगे 29 रुपीस 65 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी, 187 पैसे, अब हम इससे रुपीस के सिंबल को लगाएंगे, जो नंबर है डिजिट वैसे ही हम एज इट इज लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट को लगाएंगे, पॉइंट लगा दिया हमने, अब हम इसे क्या पढ़ेंगे, 1 रुपीस 87 पैसे, तो आप लिखोगे 1 रुपी, 1 रुपी फिर 87 पैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जे, 3003 पैसे, अब हम इसे रुपीस का सिंबल हम लगाएंगे, सारे डिजिट हम वैसे ही लिख देंगे 3 फिर 3 टाइम्स 0 और अगेन 3। अब हम क्या कर रहे हैं, हम
राइट हैंड साइड से टू डिजिट के बाद पॉइंट को लगा रहे हैं, तो थ्री और जीरो के बाद हम पॉइंट को लगाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना है आपको राइट हैंड साइड से ही लगाना है, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं लगाना है। तो हम इसे क्या रीड करेंगे, 300 रुपीज और 3 पैसे। आप लिखोगे 300 रुपीज और 3 पैसे, क्लियर। इस तरीके से आपको जो भी अमाउंट गिवन है वो पैसे में है। टाइप ऑफ क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी 5 पैसे क्वाइंस विल मेक दिए हुए रुपए, मतलब जो अमाउंट गिवन है उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें 5 पैसे के कितने क्वाइंस चाहिए। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी, रुपीज 18.25 पैसे, 18 रुपीज 25 पैसे ये नंबर है, ये अमाउंट है। हम इसे पैसे में लिख लेंगे। सबसे पहले पैसे में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम सारे नंबर को लिख लेते हैं 1, 8, 2, 5। हम पॉइंट कहीं भी नहीं लगाएंगे और ना ही हम रुपीस के सिंबल को लगाएंगे, हम पैसे के सिंबल को लगाएंगे स्मॉल p, ठीक है। दिए हुए रुपीस को हमने पैसे में बदल लिया। अब हम क्या करें, अब हमें फाइंड आउट करना है कि 5 पैसे के कितने क्वाइंस चाहिए 1825 पैसे में। तो 1825 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कि 5 पैसे के कितने क्वाइंस चाहिए। अगर 10 पैसे के क्वाइंस फाइंड आउट करने होते तो हम 10 से डिवाइड करते, ठीक है। हम 5 से डिवाइड कर देंगे इस नंबर को, हम सबको डिविजन आता है, 1 छोटा है 5 से, इसलिए हम 2 डिजिट को एक साथ लेंगे और 5 की टेबल पढ़ेंगे। 5 3 15, 5 4 20, 20 इज ग्रेटर, इसलिए 5 3 15, 8 5 3, 1 1 0, 5 से 3 डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हम ऊपर से 2 लिख लेंगे, 5 6 30, 5 7 35, तो 5 6 30, 2 0, 2 और 3 3 0, 2 छोटा है 5 से, इसलिए अब हम लास्ट डिजिट को लिखेंगे अपने ऊपर से, तो 5 5 25। हम बहुत ही केयरफुली डिविजन करेंगे, हम सबने डिविजन पढ़ा है, 25 25 0। अब ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया, हमें क्वेश्चन क्या मिला, 3 6 5, इट मीन्स हमारा ये आंसर होगा, हमें 5 पैसे के 365 क्वाइंस चाहिए, ठीक है, तब हमें 1825 पैसे मिलेंगे। तो इसी तरीके से आपको जो भी अमाउंट गिवन है आप उसे पैसे में कन्वर्ट करोगे और फिर उसे डिवाइड करोगे। अगर 5 पैसे के क्वाइंस हैं तो आप 5 से डिवाइड करोगे, अगर आपको 10 पैसे के क्वाइंस फाइंड आउट करने हैं तो आप 10 से डिवाइड करोगे, और रिमाइंडर आपका कोई भी नंबर नहीं होगा, जो भी क्वेश्चन होगा उतने क्वाइंस आपको चाहिए। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, डू द गिवन सम्स इन योर होमवर्क कॉपी केयरफुली। थैंक यू।